हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2024 और आज की 8 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये पहले अपडेट, 14 फरवरी से 17 को बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। 29 फेब तक चलने वाले सत्र के दौरान होंगी 13 बैठकें। तो लोकसभा चुनाव के चलते जल्दी बुलाया विधानसभा का बजट सत्र। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करेंगे। यह सुक्खू सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। 14 फरवरी को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा और 29 फरवरी तक चलने वाले सत्र के दौरान जो है 13 बैठकें होंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, महंगी हो सकती है घरेलू बिजली दरें, 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। राज्य बिजली बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार कर नियामक आयोग को भेजा। ये होता है दरें बढ़ाने का आधार। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है जो बिजली की दरें हैं, बिजली के जो रेट्स हैं उसमें। और राज्य बिजली बोर्ड की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर याचिका के माध्यम से विद्युत नियामक आयोग में दायर कर दिया गया है। बढ़ोतरी अगले वित्त वर्ष में प्रस्तावित की गई है जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। अच्छा, तो क्या होता है आधार, क्या होता है इसका? तो पूरे साल का खर्च व आय का आंकलन करते हुए अगले साल कितनी आय की जरूरत है, इस आधार पर याचिका तैयार की जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पहली बार सूबे के 10 क्षेत्रों का पारा माइनस में, आज से बिगड़ेगा मौसम, 6 दिन खराब रहेगा। और 28 से 30 जनवरी तक जो है कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। सबसे गर्म जिले ऊना का न्यूनतम पारा फिर -1.2 पहुंचा। सोलन और मंडी भी 0 पर ठिठुर रहे। शिमला की बात करें, धर्मशाला से ज़्यादा ठंडे हुए ऊना सोलन समेत 17 क्षेत्र। वाहन चालकों को सुबह सफ़र करने से बचने की दी हिदायत। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में आप देख सकते हो कहाँ पे कितना कितना है। और बीबीएन में 4000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं नष्ट, सूखे की मार यहाँ पे पड़ी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और आज से जो है मौसम खराब रहेगा ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में दी जाएगी प्राथमिकता। कैसी प्राथमिकता? तो डिप्टी सीएम ने हिप्पा में आयोजित कार्यशाला में दी जानकारी। परिवहन विभाग में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट में प्राथमिकता दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी हिप्पा में आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यहाँ पे दी है। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पिन को दी जाएगी, तो ये अभी इतना ये नहीं बताया है कि कहाँ पिन को, सिर्फ यही बताया कि जो ड्राइविंग टेस्ट होते हैं उसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपडेट ये रही, राशन डिपो में अब मिलेगा देसी चावल। प्रदेश सरकार ने सिरमौर, सोलन और कांगड़ा जिले से की शुरुआत। डिपो में लोकल चावल की सप्लाई शुरू कर दी है। उपभोक्ताओं को यह चावल पसंद आ रहा है, चावल बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले के पास धान की ज़्यादा उपलब्धता होगी, दूसरे जिलों में भी सप्लाई किया जाएगा। केंद्र उपलब्ध कराती है आटा और चावल, केंद्र सरकार। ओके, तो हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब जो है डिपो में लोकल चावल मिलेगा, इसकी खुशबू का पता दूर से ही चल जाएगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी जानकारी पहल की कर शुरू कर दी है और सिरमौर, सोलन और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में इस चावल की सप्लाई भी शुरू कर दी है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, फेल विद्यार्थियों को परीक्षा का मौका दे HPU ABP। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने बुधवार को जो है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा को मांग पत्र सौंप कर HPU की UG के 3 विषयों में फेल विद्यार्थियों को परीक्षा देने का मौका देने की मांग यहाँ पर की है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब 1 मार्च से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएँ। 3री, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की फाइनल डेट शीट विद्यार्थियों के सुझाव के बाद जारी की संशोधित डेट शीट। पहले 2 मार्च से होनी थी शुरू। 8वीं कक्षा की 2 मार्च को अंग्रेजी, 4 को गणित की परीक्षा। 10वीं कक्षा की नियमित और SOS की डेट शीट भी जारी। 12वीं कक्षा की नियमित SOS की परीक्षा भी 1 से स्टार्ट, यानी कि 1 मार्च से। ओके, तो यहाँ पर टाइम टेबल जो आपकी डेट शीट है वो यहाँ पर बताई गई है। ये SOS की है, मिडल में जो SOS की है, ये नियमित SOS की है राइट साइड में, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी अगर PDF चाहिए होगा तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है,
तो यही थी दोस्तों आज के अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।